अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना कि इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड हाउ वी कैन हंट दैट, और हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं या कैसे हम उनके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना कि आप जो हैं इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं, कैसे करना होता है, कौन से तरीके होते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, कौन सी चीज़ नहीं करती, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल देना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज फुली फंडेड। इट विल कवर योर ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड। इट विल वेरी फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, बुक अलाउंस एंड वीजा, एयरफेयर टिकट्स। तो डोमिनेटिंग स्कॉलरशिप्स फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कौन कौन से डोमिनेटिंग स्कॉलरशिप्स हैं जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स विश करते हैं कि हम इधर अप्लाई करें। फर्स्ट वन चाइना, विच इज नेम्ड एज सीएससी आर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सेकेंड वन जापान, नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप। कोरिया, KGSP, वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स। फोर्थ वन हंगरी, फिफ्थ वन UK, सिक्स वन अज़रबैजान। दीज स्कॉलरशिप्स आर द डोमिनेटिंग स्कॉलरशिप्स फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया। ऑल कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर दीज स्कॉलरशिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, दे आर टू वेज, एम्बेसी थ्रू विच इज नेम्ड एज कैटेगरी ए, यूनिवर्सिटी थ्रू कैटेगरी बी, मोर चांसेस टू बी सिलेक्टेड रेदर देन कैटेगरी ए। वट वी नीड, अर्ली प्रेपरेशन टू अप्लाई फॉर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट विद चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। इट विल कंसिडर 30% फॉर द सिलेक्शन। इट मीन्स इट हैज द मोर वेटेज ऑफ द सिलेक्शन। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी नोटराइज, नो नीड टू बी अटेस्टेड फ्रॉम IBCC और HEC। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नेम एज पासपोर्ट, स्टडी प्लान विद कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ योर स्टडी इन चाइना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, योर मोटिवेशन, रिसर्च प्रपोजल इफ एप्लीकेबल, मस्ट बी लेटेस्ट एंड अपडेटेड टॉपिक फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। एज यू नो एट दिस टाइम वर्ल्ड वाइड आर मूविंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल डिवेलपमेंट आर रिन्यूएबल एनर्जी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, टू रिकमेंडेशन लेटर्स, वन मस्ट फ्रॉम प्रोफेसर आर एसोसिएट प्रोफेसर, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव सीवी। जैसा एज यू नो आई हैव अपडेटेड मैनी वीडियोज ऑन हाउ टू मेक योर सीवी एंड कवर लेटर। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म नेम एज मेडिकल रिपोर्ट, फोकस ऑन हेपेटाइटिस ABC एंड AIDS। हाउ टू अप्लाई, एम्बेसी थ्रू कैटेगरी ए, एजेंसी नंबर 5861 or 5862। दिस वन इज फॉर एम्बेसी एंड दिस वन फॉर HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। मोस्टली डेडलाइन लेट मार्च। हाउ टू अप्लाई और व्हाट टू नीड, जस्ट CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेंड टू द एम्बेसी, बट फ्रॉम दिस ईयर एम्बेसी हैज गिवन द अथॉरिटी टू HEC। इट मीन्स यू विल अप्लाई थ्रू HEC एज दे सेड। थ्रू HEC you will need to apply on both portals, CSE online portal and HEC online portal। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो दूसरा ट्रैक है वो है यूनिवर्सिटी ट्रैक, जिसको हम कैटेगरी बी। एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स ऑन एजेंसी नंबर, एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स ऑन डेडलाइन, डिफरेंट डेडलाइंस। एज आई सेड इन एम्बेसी थ्रू देयर आर लेट मार्च, बट इन यूनिवर्सिटी थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट डेडलाइन। अब उसमें अप्लाई कैसे करना होता है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन CSE ऑनलाइन पोर्टल एज यू नो, फॉर सेम एज एम्बेसी थ्रू। फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल, उसके बाद आपने क्या करना होता है, सेंड हार्ड कॉपी टू द यूनिवर्सिटी एड्रेस बाय पोस्ट। आप पोस्ट यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट यूज करें, TCS पोस्ट यूज करें, DHL करें, या जो भी आपके पास और पोस्ट अवेलेबल हो वो यूज करें। और आपने जब सेंड करने होता है तो मिनिमम 2 सेट्स एंड मैक्सिमम 4 सेट्स आपने क्या करने होते हैं, उनको सेंड करने होते हैं। अब जो दूसरा स्कॉलरशिप जिसका मैंने बताया, जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नेक्स्ट, सेम देयर आर टू वेज, एम्बेसी थ्रू कैटेगरी ए, यूनिवर्सिटी थ्रू कैटेगरी बी, मोर चांसेस टू बी सिलेक्टेड एज आई सेड ऑन फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। व्हाट वी नीड, हियर इज अ डिफरेंस फ्रॉम कंसेंट लेटर। एज यू नो एज आई मेंशन ऑन द अबव,
a detail for the Chinese government scholarship. There are need to be acceptance letter, but here we need consent letter, which has 80% consideration for the selection, more weightage of your application. All documents are same as you know from Chinese government scholarship. Proficiency letter. काफी कुछ लोगों में क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे IELTS रखने वगैरह जरूरी है या नहीं है. IELTS will accepted if your medium of learning is English. जैसा कि मैं आपको अपना बताऊँ, मेरा जो वहाँ पे हुआ है, मेरे पास भी IELTS नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ से exemption मिल गई थी, जिसको हम IELTS waiver का नाम भी देते हैं. बाकी आपका सेम वही कुछ होता है. अब इसमें थोड़ा सा अप्लाई करने का डिफरेंट तरीका है. हाउ टू अप्लाई? फर्स्ट वन, एज यू नो, एनी एम्बेसी थ्रू मोस्टली अनाउंस इन अप्रैल फॉर 2020. इट विल अनाउंस इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ 2019 फॉर 2020 इनटेक. नो नीड कंसेंट लेटर. यहाँ पे आपको कंसेंट लेटर की जरूरत नहीं होती. सिंपली फिल फॉर्म्स इन शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन एंड स्टडी प्लान एंड टेक प्रिंट आउट. Send the Japanese embassy in Pakistan with attached documents. अब embassy वाले कैसे select करते हैं? सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, आपकी applications को screen करते हैं, उसके बाद वो shortlist करते हैं. अब shortlist किस बेस पे होता है? आपके percentage की बेस पे और आपके study plan की बेस पे. उसके बाद वो क्या करते हैं, email करते हैं students को. email करने email की जाती है written test के लिए. written test लिया जाता है, जो written test में pass होता है. written test भी general होता है, general science में होता है, कोई ज्यादा इसमें rocket science नहीं होती. उसके बाद क्या होता है, वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं. इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद वो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पे शो कर देते हैं. अपने यूनिवर्सिटी का एडमिट होता है, इसके लिए आपने क्या करना होता है, आप सबसे पहले सेंड ईमेल फॉर द कंसेंट लेटर. आप अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेसर सर्च करते हैं, वहां पर गिवन है, आप उनको ईमेल करते हैं, अच्छे से ईमेल. अब ये ईमेल कैसे करनी हो ये मैंने बताया हुआ आपको. प्रोफेसर उसके बाद क्या करता है, अगर आपको वो रिप्लाई देगा तो वो आपसे डिमांड करेगा हमें रिसर्च प्रपोजल भेजें. रिसर्च प्रपोजल के बाद करने के बाद वो आपको कहेगा कि आफ्टर रिव्यू दे विल आस्क टू चेंज इट इनटू पीपीटी. वो आपसे क्या कहेगा कि अब इस रिसर्च प्रपोजल को आप पीपीटी पावर पॉइंट की शक्ल में चेंज करें. जब आप उनको चेंज करके भेजेंगे उसके बाद वो आपसे क्या करेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू की डिमांड करेंगे कि हमें टाइम बताएं, आप कब अवेलेबल हैं, और स्काइप पे आपका इंटरव्यू होगा. हो सकता है वो एक इंटरव्यू हो सकता है वो दो इंटरव्यू भी हो, लेकिन जो मेरे हुए थे वो दो इंटरव्यू हुए थे. इंटरव्यू 30 मिनट के होंगे. 15 मिनट्स में आपने क्या करना होगा, अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान, रिसर्च प्रपोजल जो आपने बनाया होगा आप वो एक्सप्लेन करेंगे. और आफ्टर 15 मिनट्स दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रपोजल. उसके बाद क्या होता है, अगर तो आप पास हो गए तो वो आपको एक कंसेंट लेटर सेंड करेंगे. आपने क्या करना होता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, वही जो आपने एम्बेसी के लिए फिल किए होते हैं. यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म अलग से होता है. आपने क्या करना होता है, सेंड टू द यूनिवर्सिटी एड्रेस बाय पोस्ट. आपने बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे उसको सेंड कर देना होता है. अब जैसा कि दूसरा बताया मैंने, गवर्नमेंट कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप KGSP, इसका सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको जापानीज स्कॉलरशिप के लिए बताया. साउथ इंडियन हंगेरियन स्कॉलरशिप जो अनाउंस होता है मोस्टली दिसंबर में अनाउंस होता है, और अनाउंस होता है HSC के थ्रू. इसमें जो सीट्स होती हैं 200 टोटल सीट्स होती हैं, बैचलर 125, मास्टर 50 एंड PhD 25 सीट्स होती हैं. इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आपने सिर्फ और सिर्फ HSC के पोर्टल पे. और दूसरी स्कॉलरशिप है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जिसको हम नाम देते हैं यूके का. ये भी सेम वही प्रोसीजर है हंगरी की तरह का, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत कम सीट्स होती हैं, और यहाँ पे आर्ट्स भी मेंशन होता है. अजरबैजान सेम एज HSC, ये भी वैसा ही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि हंगरी और कॉमनवेल्थ का होता है, और उसमें भी लिमिटेड सीट होती है. HSC के पोर्टल पे आपने कैसे करना होता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ. तो आज की वीडियो का जो मकसद था वो सिर्फ यही था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि हमें क्या क्या चीज जरूरत होती है. जब आपके पास एप्लीकेशन इस तरह से कंप्लीट होंगी तो क्या होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. तो ये एक मेरी तरफ से बनाई गई छोटी सी फाइल है, तो इसको मैंने काफी टाइम लगाया, इसको शॉर्ट करने की कोशिश की जितना ज्यादा हो सका, वरना डाटा तो इतना है कि बंदा एक्सप्लेन करता जाए और वही डाटा भी कम है, जितना बोलता जाए उतना कम है. तो ये मेन पॉइंट्स थे, मेन तरीके थे जो मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से जितना मैं जानता था या जितना मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं अप्लाई करता रहा, तो वो मैंने सारा यहाँ पे बताया. और ये जो मैंने गवर्नमेंट चाइनीज का या जापानीज का जो बताया मेक्स स्कॉलरशिप, ये मैंने सेम वही प्रोसीजर आपको बताया जो मैंने फॉलो किया, जिसके थ्रू मैं सिलेक्ट हुआ. तो कोशिश करें इसको एक बार वीडियो को देखें, देखने के बाद अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी ईमेल कैसे करनी है, मैं इसको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ. अपने
डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, स्टडी प्लान क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। सीवी और कवर लेटर आपने कैसे बनानी होती है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोज को भी देखें जितना ज्यादा हो सके, इसको आगे भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ हमारे साथ साथ बाकी लोगों का भी फायदा हो जिनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती या लोग गाइड करने वाले नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मैं एक बार बताता चलूँ, हमारे चैनल को या हमारे ग्रुप को जैसा कि आप लोग जानते हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।